अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद टू नरान। तो ये हमारा सफ़र शुरू होता है आगे से गाड़ी में, तो चलिए देखते हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू के साथ हम इस्लामाबाद को छोड़ने लगे हैं। सो जनाब, हम आ चुके हैं पेशावर के टूर प्लाजा में और अब हम इसको पार करके आई गेस के हम आगे जाके स्टे करेंगे किसी टी पॉइंट में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी भूख लगते स्टार्ट हो गई है और कुछ चीज़ें लेनी है। हम मोटर वे में रुके हैं पेशावर की और हम लोग ले हैं चीज़ें। मैंने अपने लिए एप्पल सिट्रा और ये पॉपकॉर्न लिए। पॉपकॉर्न सिर्फ मोटरवेज में मिलते हैं, मोटरवेज के जो मार्केट्स आती है उधर ही मिलते हैं और ये बहुत ही मज़े के हैं, सीरियसली बहुत ही मज़े के होते हैं। सो आई विल एंजॉय दैट एंड हम आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। जो हम आ चुके थे पेशावर में और मम्मा बाबा जानी ने हमें पेशावर के होटल में छोड़ा। ये हमारे होटल का व्यू था, तो इतना कोई खास व्यू नहीं है ये होटल का, ऐसी एमी सा होटल था। तो मम्मा को करनी थी पेशावर से शॉपिंग, जिसके लिए मम्मा खास गई थी। एक स्टोरी टाइम समझे आप, मम्मा ने वहाँ से ली थी कारपेट 30,000 की। हम जब कराची आए तो उधर से हमें किसी ने बस बोला था हमें संडा बाज़ार की लग रही है ये, तो मतलब कॉमेंट हमें पड़ा था, मतलब था एक कॉमेंट 35 की कारपेट को किसी ने बोल दिया ये तो संडे बाजार में भी मिलती है ना, 35,000 समझ ही गए होंगे, मतलब संडे बाजार में मिलती है, समझ रहे हो ना संडे बाजार, समझ रहे हो आप। और ये जो है पेशावर में हमें बाबा जानी के दोस्त ने दावत दी थी, हम इस रेस्टोरेंट गए थे। वैसे हमारा दिल तो था कोई लोकल जगह जाने का, मगर अंकल ने यहाँ पर दावत दी थी। खास कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने पेशावर का, क्योंकि हम पेशावर में रुकने नहीं गए थे ना, पेशावर में कोई इतना हमारा स्टे था कि हम वहाँ रुके और घूमें, इस बगैर मम्मा की वजह से हम गए थे, क्योंकि मम्मा को चीज़ें लेनी थी तो बस इसलिए गए थे। ये खाना था जो हमने नॉर्मली मंगवाया था। इसके बाद हम निकले अपने सफ़र में, होटल से हमने अपना सामान उठाया और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र में। तो चलिए देखते हैं, पेशावर को हमने छोड़ दिया है, शॉपिंग हमने कर ली है और अब हम निकल चुके हैं वे टू नरान। तो चलिए आप हमारे साथ एक्सप्लोर करें नरान, खगान एंड एवरीथिंग। ब्रेक टाइम। रोल आ चुका है, हम मानसरा पहुँच चुके हैं, नरान हमारे बिल्कुल नज़दीक है। रोल बिल्कुल मज़ेदार नहीं था, बगर चलिए गुजारा करना है तो बस अब मेरी गंदगी को इग्नोर कीजिए, मेरे आईपैड वगैरह टॉफियाँ वगैरह पड़ी हुई है, क्योंकि मेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। और अभी हम लोग नरान के वे में, हम नरान नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, मुझे ना कैसा लगा मेरा मजाक। दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ तक पहुँचे, तो अभी जो है बज रहे हैं 8:47 और हम लोग अभी तक नारायण से 51 किलोमीटर दूर है। और ये जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे आगे बैठे हुए हैं। और अभी जो है हम यहाँ पर हैं, सामने वो मम्मा लोग खाने का पूछने गए, तो 8 बज गए, भूख लगी तो हमें खाने का पूछने गए। तो और वैसे बिल्कुल हल्का ठंडा ठंडा है, इतना कोई ठंडा नहीं है नारायण का, नारायण में भी पहुँचेंगे 50-50 आ गए। चलो आ जाओ और अभी हम निकल रहे।
तो हम यहाँ पर उतर चुके हैं और ये बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। इधर का व्यू अगर आप सुबह को देखेंगे तो है ही प्यारा, तो रात के वक्त ही देख लें, झील रोड के क्रॉस कर रही है और जिसकी वजह से रोटी कच्ची हो जाती है, मगर ये झील बहुत प्यारी लग रही थी और इसकी जो साउंड थी ना वो तो बहुत सुकून देने वाली थी। इस जगह में हम उतर चुके हैं, ये रेस्टोरेंट है जहाँ हम आए थे। हम नीचे नहीं बैठ रहे, हम ऊपर बैठेंगे। हमारा इरादा तो था इधर बीच में बैठने का। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पत्थर है और इन पत्थरों के बीच में आप ना ये देखें कुर्सियाँ डाली हुई हैं, मगर हमारे साथ बच्चे थे और ये पानी इतना ठंडा था कि आप एक सेकंड भी इसके अंदर पाँव नहीं रख सकते थे। जब ये जगह बिल्कुल ब्लैंक थी, इधर कोई नहीं बैठा हुआ था, मगर व्यू एंड साउंड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। फिर हम ये जगह आ गए थे, ये पूरा रेस्टोरेंट ही खाली पड़ा हुआ था, हम ही पहले कस्टमर थे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ बैठेंगे और ऑर्डर करेंगे। उससे पहले ना यहाँ की खास बात थी, यहाँ की खास बात ये थी, इधर की कोई मशहूर मछली थी जो आप उसी वक्त पकड़ेंगे और उसी वक्त खाएँगे। लाइव फ़िशिंग देखिए, मतलब आप खुद फ़िशिंग करें और फिर आप वो खुद खाइए, इंटरटेनमेंट थी वहाँ की। और अभी मैंने देखा जब यू है नाजरीन, ये प्लेट मैंने ली थी, देखिए आप सब देख सकते हैं, मुझसे प्लेट रमदा ने छीन लिए जैसे आप सब देख सकते हैं, रमदा से प्लेट रमा ने छीन लिए जैसे आप देख सकते हैं। खाना हमारा आ चुका है, ऑयली ऑयली सा। हाँ हाँ बस भाई, अब हमने खाना खा लिया और देखे दरवाज़ा मेरे लिए खुद खुल गया, उसको पता है मैं कितनी थकी हुई हूँ। बस अब नारायण पहुँच के ऑन करते हैं। वो जो आप हमारे सामने देख रहे हैं वो नारायण है, पूरा नारायण हमारे सामने खड़ा हुआ है और हम आ रहे हैं नारायण। ये रोड है पतली सी जिससे हम जा रहे हैं और ये थोड़ी सी गंदी रोड है, बहुत गंदी रोड है, मतलब अब शेकिंग होते हुए जाएंगे। और नारायण हम पहुंच चुके हैं जैसे आप सब देख सकते हैं। नारायण मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा, कलाम बहुत ख़ास था। नारायण में कुछ ऐसे लोग होते हैं पंजाबी वगैरह, जैसे कलाम पूरा पठानों का है, तो नारायण मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आप जाए और घूमें, हमें ख़ास नहीं लगा। ना इधर कोई फीलिंग्स आएगी आपको घूमने वाली, ना आप बाहर निकल पाएंगे क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं ना भाई, समझ रहे ना, समझ गए, बस काफ़ी है। नारायण में उतर के हमने होटल ले लिया था, ये हमारा होटल था, छोटा सा होटल होता है, इधर पंखा नहीं होता, आप ये बात नोट कर लें क्योंकि सर्दी होती है, मगर खास कोई इतनी ख़ास सर्दी नहीं थी, गंदा सा बाथरूम। और ये छोटा सा हमारा रूम है जिसमें हम सब रहेंगे, ये मेरा बेड है और हम लोग बेडों में कब्ज़ा कर रहे थे, लिटरली यहाँ पर कब्ज़ा हो रहा था बेडों में कि ये मेरा बेड है। सामान रख के हम लोग आ गए थे होटल से बाहर और ये देखिए आप नारायण का व्यू। अभी मैं आपको पूरी डिटेलिंग में हर एक चीज़ दिखाऊंगी और शॉपिंग वगैरह दिखाएंगे आपको, दुकानें दिखाएंगे, दुकानों में क्या रखा है वो सब क्लोज़अप दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। इतना वॉकिंग करने के बाद ठंड बहुत लगने लगी सब बच्चों को, तो मम्मा पापा जानी तो गए चाय पीने और हमें यहाँ छोड़ के गए हैं सूप पीने। सूप तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब मुझे जितना सूप पिला लो, मैं तो गर्मियों में सर्दियों में पीती ही सूप हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे तो सूप पीना था। ये मैंने मिर्ची ली और ढक करके डाल दी, आपको नज़र आ रही होगा, सूप मज़े का था। अब सब कुछ सॉसेस दिए थे और मेरे नाखूनों को इग्नोर करें, टूर में घूम घूम के सब कुछ ख़राब हो चुका है। ये मैंने खोल दिया था और ये देखिए यम यम।
वैसे क्या लॉजिक है ना हमारा, सूप पीने के बाद सब आइसक्रीम खाने बैठ गए। वाह वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग, जोर जोर से तालियां। वैसे अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूं तो नारान बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, फजूल की लूट बचाई हुई है और कुछ खास भी नहीं है, कलाम अच्छा है यार। तो इस मार्केट से तो कोई बात नहीं बनी, तो दूसरी मार्केट से जो हमें लेना था हमने वो ले लिया और अब इसके बाद डायरेक्ट बैटरी मेरी लो हो गई तो मोबाइल डेड हो गया। और सुबह मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, और हमारी सुबह हो चुकी है और हम होटल आ गए खाना खाने। जैसे आप देख सकते हैं और हमारा यहाँ पर पराठा आ चुका है, आप जैसे देख सकते हैं पराठे के ऊपर हो रही है छीन छपटी, भाई बहन में हुई लड़ाई, टन टन टन, गरम गरम दाल इज हियर। सो तो चलिए ज़्यादा बक बक नहीं करते हैं, खाना खाते हैं। पराठे शक्ल से वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच कहूँगी। और ये चाय बिल्कुल ही बकवास थी, आपको इसकी शक्ल से ही लग रहा होगा कितनी बकवास है। और मैं दाल वगैरह नहीं खाती तो मैं चाय पराठा खा रही हूँ, मेरा चाय पराठा खाने का भी बिल्कुल दिल नहीं था। अम्मू को देखे सुबह सुबह उठ के ऐसे खा रहे हैं। लड़कों को तो पता नहीं कि जितना भी खिला लो कम है, सारे भूखे होते हैं, खाते रहते कसम से लड़के। और यहाँ पर सब ख़त्म हो चुका है, मेरा अभी भी दिल नहीं था, मैंने अपने पराठे सारे बचा के छोड़े थे, मुझे बिस्कुट खाना था यार। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग नारान से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक हो रहा है, और ख़ास ट्रैफिक है। बस अब सुबह सुबह उठ गए थे क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए सुबह ही आपको निकलना पड़ता है, अराउंड 7-8 हम लोग उठ जाते थे। और देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मैं आपको आगे का व्लॉग सो नहीं दूँगी, ये व्लॉग यहाँ से ख़त्म होता है। और आगे का जो व्लॉग आएगा वो आप देख ही सकते हैं ये एंड के व्यू से कितना खूबसूरत होएगा, तो मेक श्योर आप आगे का व्लॉग ज़रूर देखें। ये जो पहले के दो व्लॉग्स हैं ये इतने कोई ख़ास नहीं होगा, यू नो इतने ख़ास नहीं है, मगर अब आप ये व्यू देखें और आप सोचें कि आगे के व्लॉग में क्या क्या नहीं होगा, सारी खूबसूरत जगह हम आपको दिखाएंगे। सो मस्ट वेट, और जब तक आप ये वाला व्लॉग इंजॉय करें तो अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।